अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और आज जो है वो हम आ गए हैं कराची इज्तिमा में, ठीक है। और थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन ये है कि पहुंच गए हैं। आज जो है वो हफ्ता है, कल जो है वो इंशाल्लाह दुआ है, बाइक शाइक पार कर दी हमने। अब जो है वो हम जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके सामने ही जो है वो हमने वो कोने में बाइक पार कर ली। और हम 19 से जो है वो दाखिल हो गए हैं, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं क्राउड देख लें कितना है माशाल्लाह से। और आज तो हफ्ता है, और 50% जो है ना लोग तकरीबन जो है ना वो अभी आते हैं माशाल्लाह से। जुमरात से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन हफ्ते को ज़्यादातर आते हैं क्योंकि कल दुआ होती है। और माशाल्लाह से रौनक देखें आप, चारों तरफ जो है वो आपको बंदा ही बंदा नज़र आएगा। अभी रात तक जो है ना ये चलने की जगह भी नहीं होगी इंशाल्लाह यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, और अब जो है वो इंशाल्लाह बयान शुरू होगा। तो उसके बाद देखते हैं नमाज़ कब होती है, शाह की देर से ही होगी। अमीर साहब ने जो है ना वो हमारे ज़िम्मे लगा दी है, ये कैन भर के लेके आना है। तो अभी हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। जो है वो बयान ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम जो है ना वो आ गए हैं वज़ू करने के लिए, और खाना शुरू होगा। उसके बाद फिर जो है ना वो नमाज़ पढ़ेंगे। वज़ू खाने के साथ साथ जो है ना वो सामने जो है इनके वाशरूम बने हुए हैं। मतलब ये है कि ये थोड़े से परमानेंट बने हुए, मतलब यहाँ पर आप ईजी हो गया आप कर सकते हो। और ये जो है वो सामने वो टेम्प्रेरी हैं, मतलब वैसे तो ये भी टूट जाएंगे, लेकिन ये जो है वो टेम्प्रेरी है, और ये फिर भी यहाँ पे बंदा अपना आसरा कर सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और सामने जो है वो वज़ू खाना है, हम जो है वो वज़ू करेंगे, उसके बाद फिर खाना छाना खाएंगे, उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली थी, खाना भी खा लिया, और यहाँ पर अब जो मिल रही है वो 30 रुपये की चाय मिल रही है, जो कि हम पियेंगे और फिर सोएंगे। इंशाल्लाह जो है वो तहज्जुद में उठेंगे। और आप रश चेक करो, यहाँ पे जो है ना वो पहले टोकन लेना पड़ेगा, फिर जो है ना वो चाय मिलेगी। टोकन की लंबी लंबी लाइन है, सारी जो है वो टोकन की लाइन है। यहाँ पे जो है वो रात हो गई है, तकरीबन 11 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो बिस्तर लग गए हैं सबके, और सब जो है ना वो सो गए हैं। इंशाल्लाह सब जो है ना वो तहज्जुद में उठेंगे। तहज्जुद का जो है वो टाइम हो गया है, और माशाल्लाह यही मुजाहिदा है कि आप जो है वो इस ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करो, और उसको 2 घंटे तक जो है वो कायम दायम रखो। ये बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह मुजाहिदा देखे लोगों का। और अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ने लग रहा है, अभी और बढ़ेगा। अभी अल्लाह भाई, अल्लाह से मोहब्बत है ये। इतनी सर्दी में भी देखो लोग जो है ना वो वज़ू कैसे कर रहे हैं, और ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी जो है ना माशाल्लाह से लोग तहज्जुद में उठे हुए। और हल्की सी नागवारी के भाई गर्द व गुबार जम गया, अब नहाना है, साफ होना है, और अपने मेल कुचेल को दूर करना है। कहीं अल्लाह के रास्ते की वो गुबार है जिसको आज अल्लाह ने मुश्क बनाकर तुम्हारे जिस्मों पर डाला है। भाई हमारी हो गई है सुबह मॉर्निंग, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली हमने, और हिदायत जो हो रही होती है वो तकरीबन 1 घंटे की होती है, और इसके बाद जो है वो हमें 1 घंटे का पूरा ब्रेक होता है, इसमें हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हिदायत में ना बहुत सारे लोग जो है ना वो सो रहे होते हैं, और जिसमें से एक मैं भी था, मैं भी सो रहा था। और अब जो है वो नाश्ते का टाइम हो गया, और अब अमीर साहब जो है ना वो नाश्ता लगाएंगे। जो है वो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और उसके बाद जो है वो दुआ भी हो गई, तकरीबन 40 मिनट की थी। और हिदायत के बाद जो है वो दुआ हुई थी, जो कि मैंने दुआ की पूरी वीडियो बनाई है, और मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा, उस पर पूरी जो है वो दुआ की जो है वो वीडियो मेंशन है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। भी देख सकते हैं ये खिदमत के सारे साथी हैं, ये सारे जो है वो अपने अपने काम कर रहे हैं। जितना भी पंडाल दिख रहा है ना आपको, वो सब जो है वो टेंट वगैरह सब कुछ जो है ना वो हट जाएगा आज। तो माशाल्लाह से इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से जो है वो भरपूर इसमें हिस्सा भी लिया जाता है हटाने के लिए। वैसे जो है वो रश इतना है कि हिदायत में बोला गया था कि भाई पैदल चलने वाले जो है वो फ़ौरन निकलेंगे, उसके आधे घंटे बाद जो है वो बाइक वाले निकलेंगे। तो ये जितने भी लोग जा रहे हैं वो पैदल वाले हैं, ये पूरा जो है ये पैदल जाएंगे बाहर, फिर जो है वो बस बस जो भी पकड़ेंगे उनका वो अलग मैटर है। इसके बाद फिर निकलेगी, आधे घंटे बाद जो है वो बाइक वाले निकलेंगे, फिर आधे घंटे बाद जो है वो बड़ी गाड़ी, फिर उसके आधे घंटे बाद जो ट्रक वगैरह होते हैं ना, बसें वगैरह, वो निकलेंगी। आप माशाल्लाह ही देखें कितना रश है माशाल्लाह। बाइक जो है ना वो हमने रोड पे ही पार कर दी थी, मतलब यहाँ पे
और अंदर जो है ना अभी गेट जो है ना वो खुला नहीं, देख रहे हैं रास्ता पूरा जो है ना वो बंद किया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग निकल पाते नहीं निकल पाते, बाइक तो हमने यहीं पर खड़ी की थी, अब जो है ना वो बाइक उनको खुल गया है तो अब बाइकें जा रही हैं, इसके बाद गाड़ियाँ जाएंगी, अब रश चेक करें कितना। बहुत तब मैं घर पे आ गया था और मुझे जो है वो यूट्यूब पे जो दुआ थी वो पूरी अपलोड करनी थी, तो मैंने मोबाइल जो है वो चार्ज लगा दिया, मेरी बैटरी लो गई थी, मैं घर पे आ गया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा। हर किसी को जाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है यार। इंशाल्लाह अगली बार जो है वो पूरे 3 दिन लगाएंगे और बस अभी यहीं तक ब्लॉग में ही बैठ करते हैं, इंशाल्लाह जो है वो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।